सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कुआ नंबर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया हूँ। सो 2 और 3 डेट ऑफ बर्थ लेके हम अच्छे से जानेंगे। तो पहला डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1988, यानी कि जुलाई 5, 1988 को अगर कोई जन्म हुए हैं, उनका अगर DOBJ है, तो उनका कुआ नंबर हम कैसे, पाकुआ नंबर कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है ईयर, ओनली ईयर। तो यहाँ पे हम ईयर का सम ऑफ ईयर फर्स्ट ही करेंगे। और कहाँ कहाँ पे भी आप देखे होंगे कि ओनली लास्ट 2 डिजिट, लेकिन आप जितने भी मेथड देखेंगे आपको एक ही आंसर आएगा। तो इसीलिए सबसे बेटर होगा कि आप टोटल ईयर को ही ऐड कर दीजिए, ये सबसे बेटर होगा। जहाँ पे भी पुराने फेंगशुई पे, यानी कि जहाँ पे भी बाघ हुआ नंबर के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे ईयर ही टोटल लेने के लिए, पुराने से पुराने बात की मैं बुक की बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल ईयर, तो सम ऑफ ईयर, यानी कि आपके ईयर में जो जो नंबर है उसी का आप सम कर दीजिए, उसको मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए। 1 + 9 + 8 + 8, तो 9 + 1 = 10, 18 + 8 = 26 हुआ। तो मैंने 26 उसको फिर से मैंने ऐड अप करके 8 लिख दिया हूँ। पूरा ऐड करने के बाद 8 आया। मैं 8 लेने का मतलब यही है कि ये एक ही नंबर है। अगर किसी का भी ईयर अगर सम करने के बाद, ईयर को मिलाने के बाद अगर किसी का लास्ट नंबर 8 आ रहा है, तो सोच लेना कि उसका मेल एंड फीमेल दोनों का कुआ नंबर एक ही होगा। ये एक फायदा है। अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों का आ जाता है सम ऑफ ईयर 8, तो उन लोगों को घर जैसे भी ले दोनों का सेम हो जाएगा और बेटर भी हो जाएगा। मैं इसके बारे में बाद में बातें करूंगी। तो सम ऑफ ईयर 8 कर लीजिए। और मेल एंड फीमेल का कैसे आप कुआ नंबर निकालेंगे, मेल के लिए क्या होता है, 11 - 8 = 3। 11 से जो नंबर आपको मिला है वहां से माइनस करे तो 3 निकलता है, ये मेल का होता है। और उसी हिसाब से फीमेल का क्या होता है, 8 + 4 = 12 = 3। ये बहुत ईजी है। आपको ओनली 2 ही स्टेप है। अगर ईयर आपको डेट ऑफ बर्थ में से ईयर लेना है, ईयर के हर एक डिजिट को आपको ऐड करना है, तो जो सम निकलेगा उसको 1 ही नंबर पे कन्वर्ट करना है, एक ही नंबर पे। जो नंबर आएगा, इसका बहुत वेरियस मेथड है, लेकिन आप जितने भी मेथड पे जाएंगे आपका कुआ नंबर एक ही आएगा। इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये नहीं पूछना कि 11 इसका है, लेकिन मेरे पास इतना ठोस सबूत नहीं है कि क्यों इसको माइनस किया जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो 11 - 8 अगर मेल होगा, मेल के लिए 11 से वो नंबर माइनस किया जाता है जो आता है, यही आपका कुआ नंबर है। और फीमेल के लिए 4 ऐड किया जाता है, 8 पे 4 ऐड करे तो जो नंबर आता है वो ही आपका कुआ नंबर। तो ये मैंने पर्टिकुलर ये ईयर क्यों लिया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल का एंड फीमेल दोनों का हस्बैंड वाइफ का सेम होता है। उनका एक फायदा क्या है ना, अगर घर के बारे में मैं बातें कर रहा, यहाँ पे ही करूंगी। ये आया कुआ नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने ये लॉस ग्रिड का फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये नंबर 3, कुआ नंबर 3 आया। तो 3 कौन सा डिरेक्शन है, ये ईस्ट, ये दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। बुक का नहीं लेना ये, अगर मैं अगर इसको ही डिफरेंट वे नॉर्थ को यहाँ पे ले लूँ, साउथ को इधर, ईस्ट को ये बुक का ऑपोजिट पे है। ये लीजिए ऐसा है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं बाघ हुआ उसके बारे में, जो लॉस ऑफ ग्रिड पढ़ रहे हैं उसके बारे में ना, तो आप यही टेकन कीजिए। तो हमारा कुआ नंबर आया ईस्ट। तो मैंने आपको ये क्या है, ये साउथ वेस्ट है, ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है, ये कौन सा है, साउथ ईस्ट है। तो अब हम कैसे जानेंगे, हमको पता चलेगा कि हमारे लिए का मतलब है कि जिसका कुआ नंबर 3 है उसके लिए कौन सा घर अच्छा है। तो इस मैंने ये जो पहले वीडियो में बताई थी कि ईस्ट ग्रुप एंड वेस्ट ग्रुप, तो ये इसके साथ कंपैटिबिलिटी, कौन सा डायरेक्शन है इसके साथ कंपैटिबिलिटी, डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। ईस्ट तो वैसा ही खुद का है,
साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ है एंड नॉर्थ है, ये ईस्ट ग्रुप में जाते हैं, ये फोर ईस्ट ग्रुप में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये जो फोर रिमेनिंग रह गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे ये वेस्ट ग्रुप में जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जिसका अगर कुआ नंबर फाइव आ गया तो क्या करेंगे हम, तो अभी चलते हैं। सो अभी एक हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ है September 5th, 1981। सो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, तो पहले फटफट से कर देते हैं सम ऑफ ईयर। सम ऑफ ईयर इक्वल टू 1 + 9 + 8 + 1, सो 9 + 1 = 10 + 8 = 18 + 1 = 19 हुआ। तो राउंड अप का मीनिंग है, फिर से अगेन मैंने 1 + 9 = 10 हुआ, 10 = 1 + 0 = 1। सो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 1 आया। अब भी देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई 1981 को जन्म हुआ है वो अगर मेल है तो उसका कुआ नंबर क्या होगा, एंड अगर फीमेल है तो इसका कुआ नंबर क्या होगा, अभी देख लेते हैं। 1 है, 11 - 1 = 10 = 1, तो एक मेल के लिए कुआ नंबर 1 हुआ, लेकिन एक फीमेल के लिए 1 + 4 = 5। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जब भी कुआ नंबर 5 आ जाता है, कुआ नंबर का मीनिंग है वास्तु, यानी कि बा कुआ नंबर ये वास्तु को दिखाता है। तो वास्तु पे आप अगर जब भी देखेंगे लोसु ग्रिड तो उसमें 5 नंबर मिडिल पे रहता है, तो इसीलिए अगर किसी का कुआ नंबर 5 पहुंच जाता है तो मिडिल पे हम डायरेक्शन चूज नहीं कर सकते, इसीलिए फीमेल के केस में वही 5 क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है 8 को फीमेल के लिए। क्यों, उसका रीजन क्या है, 5 8, यहाँ पे 9 5 1 है, यहाँ पे 4 3 8 है, यहाँ पे 2 7 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 नंबर मिडिल पे आ चुका है, मिडिल पे नहीं डायरेक्शन है। सो जब भी किसी का कौन से फीमेल का 5 आ जाता है कुआ नंबर, वो कन्वर्ट हो जाता है 8 को, ये दिखाता है, ये तीनों के तीन अर्थ मेटल को दिखाते हैं, सो अर्थ एलिमेंट को दिखाते हैं। सो जब भी फीमेल का आता है वो 8 को कन्वर्ट हो जाता है, जब मेल का 5 आता है वो 2 को कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, जो बात हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक गुणों को दिखाता है, यानी कि हमारा कहा जाता है कि फीमेल मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड मेल फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो ये 3 एलिमेंट्स में 2 5 8, ये तीनों के तीन अर्थ एलिमेंट है, लेकिन जब फिजिकली स्ट्रांग देखेंगे एंड मेंटली स्ट्रांग देखेंगे तो ये 5 नंबर 2 को कन्वर्ट हो जाता है मेल के लिए, एंड यही 5 नंबर कुआ नंबर 8 को कन्वर्ट हो जाता है फीमेल के लिए, क्योंकि ये मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन 8 नंबर मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, ये मैं बताऊंगी। सो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चलते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, September 5, 1986, खाली में ईयर ही चेंज कर लिया क्योंकि ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। तो सम ऑफ ईयर इक्वल टू 6 हुआ। सो यहाँ पे मेल का क्या होगा और फीमेल का क्या होगा, जल्दी जल्दी से। सो 11 - 6 = 5 आया, एंड यहाँ पे 6 + 4 = 10 आया, = 1। सो यहाँ पे फीमेल का 1 आ गया कुआ नंबर, एंड मेल का आया 11 से 6 - करे तो 5 आया। मैं जो पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी 5 आता है, कुआ नंबर 5 आता है, वो 5 नंबर कन्वर्ट हो जाता है 2 को, पर्टिकुलर मेल के लिए, इसका रीजन मैं दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो भी 1986 को जन्म हुए हैं उनका कुआ नंबर, अगर मेल है तो उनका कुआ नंबर 2 है, एंड अगर फीमेल है तो कुआ नंबर 1 है।